इज लर्निंग बेसिक्स और रॉकेट साइंस? क्या लर्निंग कोई भी बेसिक चीज को सीखने के लिए क्या वो रॉकेट साइंस है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। रॉकेट साइंस से तात्पर्य यह है कि यह कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है जिसे हम सीख ना सकें। कोई भी एक सामान्य व्यक्ति इसे सीख सकता है, लेकिन उसके लिए सही प्रोसेस की आवश्यकता है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं वो प्रोसेस क्या है जिसके तहत हम इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं और प्रभावशाली तरीके से हम उसे सीख सकते हैं। सो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं वो प्रोसेस की। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके ब्रेन को ट्रिगर करना चाहूंगा कि वो कितने प्रकार के तरीके हैं जिसके माध्यम से हम कोई भी चीज को सीख सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन लर्न एनी बेसिक्स एनी टॉपिक एनी सब्जेक्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट ओनली। मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं। ये सभी बात हम जानते हैं बट इमीडिएटली दिमाग में वो बातें आती नहीं है। ऐसा हो रहा होगा दोस्तों, और जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि क्या इतना सिंपल है। यस दोस्तों, हम सिंपल चीजों को कई बार इग्नोर कर जाते हैं। सो दोस्तों सीखने के केवल तीन तरीके हैं। अगर आप चौथा तरीका जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि हम बाकी दर्शकों के साथ उसे शेयर कर सकें। तो तीन प्रोसेस हैं। पहला रीड करके, पढ़ाई करके, मीन सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स की पढ़ाई करके। हम यहां पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें प्रोमिनेंट ऑथर्स की वर्ल्ड वाइड उपलब्ध है जिन्हें हम पढ़ के जानकारी ले सकते हैं और सीख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, कि जो जानकार व्यक्ति है, जो ऑलरेडी सीख चुका है, उस सब्जेक्ट के बारे में जानता है, उसे सुन के। जीरो टू हीरो सीरीज में लर्निंग की सेकेंड प्रक्रिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां हर शनिवार को एक नए टॉपिक के ऊपर में रात 8 बजे एक नया वीडियो आता है। अभी तक फिलहाल 4 वीडियो आ चुके हैं और यह प्रोसेस जारी रहेगी तब तक हम इसको कंप्लीट नहीं कर लेते। और उसके बाद प्रोसेस चालू होगी, इतने सारे प्रैक्टिकल किए जाएंगे दोस्तों कि जब तक आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, प्रैक्टिकल करने की प्रक्रिया बंद नहीं होगी। लेकिन दोस्तों हम इस जीरो टू हीरो सीरीज के तहत आपको उस बुक्स के बारे में भी जानकारी देंगे जिसको पढ़ के आपको लाभ हो सकता है, और यह सब प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप चलेगी। और तीसरा प्रोसेस क्या है सीखने का दोस्तों, पहला किताब पढ़ के, दूसरा जो व्यक्ति जानकार है उसे सुन के, और तीसरा दोस्तों पूछ के। अगर हम किसी चीज की जानकारी नहीं रखते हैं तो हम उस व्यक्ति को अप्रोच कर सकते हैं जो जानकारी रखता है और उसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जीरो टू हीरो सीरीज के तहत आप सुन तो रहे हैं, लेकिन अगर दिमाग में कभी भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर। हम स्कूल या कॉलेज में जब पढ़ते थे तो क्या करते थे, जब हमारे टीचर्स या लेक्चरर प्रोफेसर्स लेक्चर देते थे तो हम उन्हें ध्यान से सुनते थे, और जहां भी डाउट होता था तो हम खड़े होकर उनसे पूछते थे। एम आई राइट दोस्तों? और यह प्रक्रिया जारी रहती थी ताकि डाउट को हम अपने दिमाग में पाल के आगे ना बढ़े।
क्योंकि दिमाग जितना डाउट फ्री होगा उतना बेहतर परफॉर्म करेगा। अब प्रोसेस की दूसरी प्रक्रिया क्या है दोस्तों सीखने की, और वो है दोस्तों रिवीजन। हम स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स बार बार बोलते थे रिवाइज करो रिवाइज करो रिवाइज करो। क्यों दोस्तों? गूगल में आप सर्च करके देखेंगे, लर्निंग की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम कोई भी टॉपिक पे किताब को पहली बार पढ़ते हैं या किसी प्रेजेंटेशन को पहली बार सुनते हैं तो हमारा दिमाग 100% चीजों को कैप्चर नहीं करता है। ये सत्यता है। व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसका आईक्यू कितना भी अच्छा हो, वो कैप्चर नहीं करता है। तो दोस्तों रिवीजन एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एक एक वीडियो को जीरो टू हीरो सीरीज के तहत पहली बार देखें और पहला रिवीजन करें। उसे आप पहले रिवीजन के बाद आपको बेहतर क्लैरिटी आएगी एंड थर्ड रिवीजन ऑनवर्ड्स आपके कंसेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएंगे उस पर्टिकुलर सेशन के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। सो दोस्तों आपने ये महसूस किया होगा कि स्कूल एंड कॉलेज डेज में कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, जबकि कुछ स्टूडेंट मेहनत करके भी परफॉर्म अच्छा नहीं करते थे। उसका क्या कारण था? तो दोस्तों इसमें कोई ऐसा बड़ा सीक्रेट नहीं है। जो लोग अच्छा परफॉर्म करते थे उन्हें सिर्फ प्रोसेस का पता था, और जिन्हें परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आता था उन्हें क्लैरिटी नहीं थी प्रोसेस के बारे में, और अगर थी क्लैरिटी तो उस प्रोसेस को वो फॉलो नहीं करते थे। अगर प्रोसेस मालूम है और फॉलो नहीं करते हैं तो 100% मेरी गलती है, लेकिन अगर प्रोसेस नहीं मालूम है और गलती हो रही है तो उसका सलूशन है प्रोसेस की जानकारी के बाद हम अपने आप को सुधार सकते हैं। कई बार यह देखा गया है कि स्कूल एंड कॉलेज में एक विद्यार्थी एक स्टूडेंट बेहतर परफॉर्म करने वाला कोई ऐसा नहीं है कि उसका आईक्यू बहुत ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में, लेकिन शायद उसे प्रोसेस के सीक्रेट का पता है। तो दोस्तों बार बार रिवीजन कीजिए। एक सिंपल चीज बता रहा हूं, मैं अपने अनुभव अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इसका बहुत लाभ होगा और ये आपको मदद करेगा एक बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट बनने में और ट्रेडर बनने में। दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो भी चीज सीखते हैं उसे जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसे जिंदगी में अमल में लाते हैं, तो जो हमने सीखा है वो और रीइंफोर्स हो जाता है, वो और सॉलिड हो जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा कि चाइल्डहुड में जब हमने स्कूल में पढ़ते थे और साइकिल चलाना बाइसिकल चलाना सीखा था, कई बार गिरे होंगे, कई बार चोटें आई होंगी, क्योंकि हमें प्रॉपरली बैलेंस करना नहीं आता था। लेकिन इन दी प्रोसेस कोशिश करते करते कई बार हमने उसका रिवीजन किया और हम बाइसिकल चलाना सीख गए। अब दोस्तों किसी व्यक्ति ने बाइसिकल चलाना एक सर्टेन एज के बाद उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसने कार खरीद ली और उसे शायद आवश्यकता नहीं पड़ती थी फोर व्हीलर होने के कारण कि वो बाइसिकल चलाए। लेकिन एक दिन वो एक्सरसाइज करने के लिए प्लेग्राउंड में जाता है, पार्क में जाता है, जहां कुछ बच्चों को बाइसिकल चलाते देखता है और उसकी इच्छा जागती है कि मैं आज बाइसिकल चला के देखता हूं। और जब वो चलाने की कोशिश करता है दोस्तों तो वो कॉन्फिडेंस उसका वो नहीं था जो जब स्कूल में उसने चलाना सीखा था, क्योंकि उसने बहुत दिनों तक साइकिल चलाया नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज हम सीखते हैं उसे अमल में लाएं, उसे प्रैक्टिस में लाएं।
ताकि हम उसे भूले ना। और दोस्तों जीरो टू हीरो सीरीज में इस प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करने का ये सबसे मुख्य कारण था कि इसमें थ्योरी के बाद में इतने सीरीज ऑफ प्रैक्टिकल किए जाएंगे ताकि जो हमने थ्योरी में सीखा है उसको हम प्रॉपरली कोरिलेट कर सके और अमल में ला सकें, ताकि हम कभी भी ना थ्योरी भूले क्योंकि हम उसे प्रैक्टिस में ला रहे हैं। दोस्तों आप विश्वास मानिए, जब थ्योरी स्ट्रांग होती है वही व्यक्ति अच्छा प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल बनता है। क्योंकि अगर थ्योरी हमारी स्ट्रांग नहीं है, हमारा फाउंडेशन अगर कमजोर है, तो दोस्तों हम किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे? हमें यह तो मालूम होना चाहिए ना हमें प्रैक्टिस क्या करना है। लोग स्ट्रेट अवे बिना थ्योरी किए हुए प्राइस चार्ट पे चले जाते हैं, थोड़ा बहुत कहीं कुछ सीख लिया, उसको अप्लाई करने लगते हैं और फिर बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि हमने अपने फाउंडेशन को मजबूत नहीं किया है और सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करने लगे हैं। दोस्तों किसी भी इमारत में अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो सुपर स्ट्रक्चर कभी भी खड़ा नहीं रह सकता। तो प्रैक्टिस एसेंशियली नीडेड। दोस्तों प्रोसेस ऑफ लर्निंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे नहीं मालूम है कि आपको इसका कितना अनुभव है, ग्रुप लर्निंग। ये ऑलवेज बोला जाता है एक से भले दो, दो से भले तीन। जब हम कोई भी सब्जेक्ट को लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बना के सीखते हैं तो हमारे सीखने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, और अगर संभावनाएं बढ़ेंगी तो अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बनने और ट्रेडर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। अब दोस्तों इसमें करना क्या है? आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, ब्रदर सिस्टर्स होंगे, कजन्स होंगे, जान पहचान के लोग होंगे, उनमें से सिर्फ आपको दो लोगों को चुनना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप बने, उसकी भी संभावनाएं हो सकती हैं, बट पहले शुरुआत तो करें, सिर्फ दो व्यक्ति को तलाशें जो लाइक माइंडेड है और उसका भी कुछ इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में या करेंसी मार्केट में या फॉरेक्स में, वॉट एवर वी कॉल इट। और दोस्तों उससे एडवांटेज क्या होता है, हर व्यक्ति हर वीडियो प्रेजेंटेशन को जो हर शनिवार को आता है उसे देखे, देखने के बाद आपस में आप तीनों व्यक्ति मिलिए और आपस में चर्चा कीजिए। पहले एक व्यक्ति दो व्यक्तियों को बताएगा कि आज वीडियो में मैंने क्या सीखा, उसके बाद दूसरा व्यक्ति यही प्रक्रिया को दोहराएगा और तीसरा व्यक्ति भी यही प्रक्रिया को दोहराएगा। इससे क्या होगा कि कुछ पॉइंट जो मिसिंग लिंक होंगे किसी भी व्यक्ति के, उस तीन व्यक्तियों में वो मिसिंग लिंक जुड़ जाएंगे और जो भी पॉइंट मिस किया है वो एक दूसरे को लोग सप्लीमेंट करने लगेंगे और सब्जेक्ट की क्लैरिटी आ जाएगी। और ये मीटिंग बहुत आसान है, कभी आप अपने घर में कर सकते हैं, कभी ग्रुप के दूसरे मेंबर के घर में कर सकते हैं। आपस में मिलना भी हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगी, कंसोलिडेशन हो जाएगा, रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। और मीटिंग खत्म करने के पहले अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि हम रिवीजन करके दोबारा इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो सारे तीनों व्यक्ति फिर से वीडियो प्रेजेंटेशन को पूरा देखेंगे बिना फास्ट फॉरवर्ड किए, क्योंकि लर्निंग के लिए पेशेंस चाहिए। आपको नहीं मालूम है कि जब आप फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं उस समय एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एक लिंक मिस कर गए हैं, और वो लिंक अगर आप मिस कर गए हैं तो दोस्तों आपको नहीं मालूम है उसका नुकसान एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बनने में और अच्छे ट्रेडर बनने में उस
का क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। वो शायद 5 मिनट आपने फास्ट फॉरवर्ड करके बचा लिए होंगे, बट वो 5 मिनट आपके लिए बहुत महंगे पड़ सकते हैं। ट्रस्ट मी, जब हम किताबें भी पढ़ते हैं तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीधे चैप्टर पे ना जाए। हर किताब के, हर बुक्स के पहले एक प्रीफेस होता है, उस प्रीफेस को भी जरूर पढ़ें, क्योंकि प्रीफेस उस ऑथर के दिमाग के अंदर की बात को कंसाइज मैनर में एक या दो पन्ने में वो कंप्लीट किया जाता है, जिससे लर्निंग की प्रोसेस में बहुत फायदा होता है। मैंने तो ये प्रक्रिया अपने लाइफ में हमेशा फॉलो की है कि मैं किसी भी बुक की जब पढ़ाई करना चालू करता हूं तो सबसे पहले उस बुक के प्रीफेस को पढ़ता हूं, और प्रीफेस पढ़ने के बाद तब मैं चैप्टर वन में आता हूं और चैप्टर से सीधे चौथे चैप्टर पे या पांचवें चैप्टर पे मैं जंप नहीं करता हूं। बिकॉज वो ऑथर ने एक प्रोसेस में उस चैप्टर को डिजाइन किया है, और अगर हम सीखना चाहते हैं तो हमें उस ऑथर के ऊपर में विश्वास करना होगा। फेथ, फेथ इज वेरी पावरफुल थिंग। If you practice, you will be benefited. So, दोस्तों, group learning एक बहुत effective process है। तो ये process अगर हम follow करते हैं तो दोस्तों हमारी learning बहुत effective होगी, प्रभावशाली होगी, और इस प्रभावशाली लर्निंग के कारण हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, जब प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल बनेंगे स्टॉक मार्केट में, तो हम एक बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट और बेहतरीन ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने की प्रक्रिया में सफल होंगे। सो अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। दोस्तों ये कहा जाता है कि बहुत सारे जो कोटेशंस होते हैं, कोट्स होते हैं, वो हमें इंस्पायर करते हैं। तो इससे ही रिलेटेड कोट हमने आज कुछ सेलेक्ट किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये कोट बहुत पावरफुल कोट है दोस्तों, जो प्लेटो ने लिखा था। इफ अ मैन निगलेक्ट्स एजुकेशन ही वॉक्स लेम टू द एंड ऑफ हिज लाइफ। इसका तात्पर्य ये है, इसका मीनिंग ये है कि जो व्यक्ति एजुकेशन को निग्लेक्ट करता है वो व्यक्ति जिंदगी भर एक असंतुष्ट जिंदगी बिताता है, क्योंकि हर जगह उसे नीचा देखना पड़ता है। तो दोस्तों क्या कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट जीवन बिताना चाहेगा, या फिर एक एक घंटे के 50 वीडियो देख के इस सब्जेक्ट में आप एक प्रोफेशनल बन सकते हैं? 50 वीडियो एक एक घंटे के बिना स्किप किए, फास्ट फॉरवर्ड किए, क्या बहुत बड़ा टास्क है इस एजुकेशन के लिए, ताकि हम अपनी जिंदगी असंतुष्ट ना रहे? 50 घंटे मींस 2-2.5 दिन, और ये 50 दिनों में, 50 घंटे में 20 घंटे तो प्रैक्टिकल में होंगे, 30 घंटे 25-30 घंटे की थ्योरी होगी। सो दोस्तों पेशेंस रखिए, पेशेंस लर्निंग का बहुत अच्छा दोस्त है। इफ यू डू अ फ्रेंडशिप विद पेशेंस, पेशेंस विल डू हिज ड्यूटी टू एनेबल यू टू लर्न इन इफेक्टिव इफेक्टिव मैनर। सो दोस्तों जिस तरह से हम डेली भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, किस लिए? ताकि इस शरीर को एनर्जी मिल सके, इस शरीर का पोषण हो सके। उसी तरह दोस्तों एजुकेशन, पढ़ना, किताबें पढ़ना, अच्छी चीजों को सुनना, ये हमारे ब्रेन का फूड है, खाना है। और हम अपने ब्रेन को खाने के बारे में अगर निग्लेक्ट करेंगे तो हमारे ब्रेन की शार्पनेस खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हम रिलीजियस फैशन से, ईमानदारी से अपने 3 वक्त का भोजन करते हैं,
उसी तरीके से हमें अच्छी अच्छी चीज पढ़ना चाहिए। अगर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजें सीखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड चीजों को देखिए। जीरो टू हीरो सीरीज के सारे वीडियो को बार बार देखिए, बिना फास्ट फॉरवर्ड किए पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस पेशेंस विल ऑलवेज पे यू। एंड दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट कोट और है जो इससे बहुत करीब रिलेटेड है, वो है, व्हेन आई वॉक अलोंग विद टू अदर्स फ्रॉम एटलीस्ट वन आई विल बी एबल टू लर्न। जब हम अपने अलावा दो व्यक्तियों के साथ यात्रा करते हैं, अगला कदम उठाते हैं, तो एटलीस्ट उन दो में से एक व्यक्ति से कुछ मैं नया सीखूंगा। और ये आप इसे कोरिलेट करें जो अभी हमने डिस्कस किया ग्रुप लर्निंग के बारे में। तो कोशिश कीजिए दोस्तों, दो लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ में शामिल कीजिए, सभी प्रेजेंटेशंस देखिए, और देखने के बाद एक बार सप्ताह में आप कम से कम मिलिए और एक दूसरे को एक्सप्लेन कीजिए कि आपने क्या सीखा, जिससे वो मिसिंग लिंक हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और एक बेहतरीन प्रोफेशनल बनने की दिशा में आप आगे बढ़ पाएंगे सफलतापूर्वक। दोस्तों, अच्छा टीचर कौन है? मीडियोकर टीचर टेल्स, एक जो मीडियोकर टीचर होता है, एक साधारण टीचर होता है, वो चीजों को बताता है, बोलता है। लेकिन जो एक अच्छा टीचर होता है, अ गुड टीचर, वो चीजों को एक्सप्लेन करता है, उसे वो समझाने की कोशिश करता है, सिर्फ बोलता नहीं है। और एक जो सुपीरियर टीचर होता है, इन दोनों कैटेगरी टीचर के ऊपर, वो टीचर चीजों को डेमोंस्ट्रेट करता है, प्रैक्टिकल करके दिखाता है। और फाइनली द टॉप मोस्ट कैटेगरी ऑफ द टीचर जो होता है, वो सिर्फ बोलता नहीं है, वो एक्सप्लेन भी करता है, वो डेमोंस्ट्रेट भी करता है, और साथ में वो स्टूडेंट को इंस्पायर भी करता है सीखने के लिए। दोस्तों, हम ये प्रक्रिया जारी रखेंगे। तय आपको करना है कि मैं एज ए टीचर, मैं आपका कोच होने के नाते किस कैटेगरी में आता हूं। सो दोस्तों, हम लास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण चीजों को आपको बताने की कोशिश करेंगे, आपके ब्रेन को ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इसको समझ सकें और जिंदगी के बहुत करीब चीजों को जान सकें। वो है दोस्तों 80-20 रूल। शायद बहुत लोग इसको जानते भी होंगे, कहीं पढ़ा होगा, या जिन्होंने मैनेजमेंट कोर्स किया है वो इसके बारे में जानते होंगे। तो दोस्तों, 80-20 रूल है क्या? 80-20 रूल को समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मेरे बैच में 90 स्टूडेंट्स थे। अब 80-20 रूल क्या बोलता है कि पूरे स्ट्रक्चर्ड तरीके से 5 इयर्स का कोर्स इंजीनियरिंग का आप कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, आज 4 इयर्स का कोर्स है, हमारे टाइम पे वो 5 इयर्स का कोर्स हुआ करता था। तो जब आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस कोर्स को पूरा करते हैं, तो प्रोफेसर्स वही होंगे, इंस्टीट्यूट भी वही होगा, किताबें भी सभी स्टूडेंट्स वही पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ 20% लोग उसमें से अच्छे प्रैक्टिसिंग इंजीनियर बनेंगे। दोस्तों, ये मेडिकल प्रोफेशन में भी होता है, ये लॉ में भी होता है, ये मैनेजमेंट कोर्सेज में भी होता है, किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट को आप ले ले, ये हर जगह ये अप्लाई होता है। तब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा, तब तो इतने देश में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में या दुनिया भर में, तो वो सफल नहीं है,
नहीं दोस्तों, अगर इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं होते तो दोस्तों ये 20% लोग भी प्रोड्यूस नहीं होते जो इस देश में प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल बनने के बाद 80% कंट्रीब्यूट करते हैं देश के निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया है दोस्तों कि उस ऑर्गेनाइजेशन में 20% एम्प्लॉय 80% कंट्रीब्यूट करते हैं और 80% पीपल दे कंट्रीब्यूट ओनली 20%। दिस इज अ हार्ड रियलिटी नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड ओवर। सो दोस्तों, इसको और करीब से समझने के लिए आपने अचरेकर जी का नाम सुना होगा, जो सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के मेंटोर रहे हैं, उन्होंने इन्हें कोचिंग दी है, जिन्हें हमारे देश ने द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने कई लोगों को कोचिंग दी है, लेकिन कितने लोग सचिन तेंदुलकर या विनोद कांबली जैसे क्रिकेटर बन पाए? तो दोस्तों, कितना भी बेहतरीन कोच हो, कितना भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हो, 80-20 रूल हमेशा अप्लाई करेगा। अब दोस्तों, तय आपको करना है कि आप 20% में आना चाहते हैं या 80% में आना चाहते हैं। मैं चाहूंगा हर व्यक्ति जो इस चैनल को वॉच कर रहा है वो 20% की श्रेणी में आए, ताकि आप बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट और ट्रेडर बन सकें और ये जीरो टू हीरो श्रृंखला का पर्पस फुलफिल हो सके। तो दोस्तों, आज सिर्फ ये इंटरिम वीडियो लाने का पर्पस ये था कि आप सही प्रोसेस को फॉलो करें, ताकि जीरो टू हीरो सीरीज का भरपूर फायदा उठा सके और लर्निंग प्रोसेस में आप कोई भी चीज मिस ना करें। लास्ट में दोस्तों, अफर्मेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवन एंड पावरफुल टिप मैं आपको दे रहा हूं, जो हर दुनिया का सफल व्यक्ति अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, वो हर सफल व्यक्ति इसे फॉलो करता है। और दोस्तों, ये अफर्मेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लर्निंग प्रोसेस में है और उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रोफेशनली एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बन पाए और एक अच्छे ट्रेडर बन सके, इन्वेस्टर बन सके। दोस्तों, एक बहुत फेमस बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। दोस्तों, ये बुक पिछले 70 सालों से अधिक दुनिया के बेस्ट सेलर में इसका नाम आता है। कभी मौका लगे तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा, और उसमें भी अफर्मेशन के ऊपर में एम्फेसिस दिया हुआ है। ये सेल्फ डेवलपमेंट की बुक आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो थिंक एंड ग्रो रिच, मैं कई बार सोच रहा था कि थिंक एंड ग्रो रिच पर एक सेपरेट सीरीज चालू करूंगा, लेकिन अभी वक्त नहीं है, सही वक्त पे जरूर चालू करूंगा। पहले ये जीरो टू हीरो सीरीज में स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड थियोरी एंड प्रैक्टिकल कंप्लीट होने दीजिए, मैं वादा करता हूं मैं उसे भी करूंगा। सो दोस्तों, अफर्मेशन क्या है? आप लोग शायद कुछ लोग जानते भी होंगे। अफर्मेशन अपने आप से वादा करना है, बार बार उस चीज का वादा करना है, ताकि हमें राइट टाइप की हैबिट का हम अपने जिंदगी में फॉर्मेशन कर सकें। हमारी हैबिट जो हो वो राइट हो, और जब हमारी हैबिट राइट टाइप की होगी, हमारी हैबिट जब सही होगी तो हम सफलता के बहुत करीब होंगे। और वो अफर्मेशन किसी और से नहीं करना है, अफर्मेशन अपने आप से करना है। और ये जो अफर्मेशन मैंने एक सिंपल सा ड्राफ्ट बनाया है, इसे अगर आप सीरियसली लर्न करना चाहते हैं तो इसे अगले 21 दिनों तक सुबह में उठने के समय, व्हेन यू वेक अप यू शुड से 3 times एंड से लिटिल लाउडली,
just don't bother who is listening and what he is doing. And when you go to bed, जब आप सोने जाते हैं उस वक्त इसे तीन बार बोल के सोए, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क लाएगा, आपकी लर्निंग बहुत इफेक्टिव होगी, आप हर चीज को बहुत क्लैरिटी से समझने लगेंगे, आपका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस एक अगले लेवल पे जाएगा। और ये 21 दिन की प्रोसेस, ये प्रूवन है कि 21 दिन तक जब हम चीजों को लगातार अपने आप से वादा करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। लेकिन अगर ये 21 दिन की प्रोसेस में अगर एक दिन का भी गैप आ जाए तो दोस्तों आपकी गिनती फिर वहां से चालू होगी अगले आने वाले 21 दिनों तक। तो दोस्तों पहले मैं इंग्लिश में उस अफर्मेशन को बोलूंगा और उसके बाद आपको हिंदी में अफर्मेशन दूंगा। और ये अफर्मेशन है, आई एम टेकिंग लर्निंग ऑफ स्टॉक मार्केट एंड इट्स एनालिसिस सीरियसली बाय फॉलोइंग राइट प्रोसेस to learn to be successful analyst and investor. I am successful analyst and investor. कितना वक्त लगेगा दोस्तों तीन बार बोलने में? और दो ही बार दिन में बोलना है, सुबह उठते वक्त और रात में सोने जाने के पहले। हिंदी में दोस्तों, मैं सीख ले रहा हूं शेयर बाजार और उससे विश्लेषण की गंभीरता से जानने के लिए सही प्रक्रिया का पालन करके सफल विश्लेषक और निवेशक होने के लिए। मैं सफल विश्लेषक और निवेशक हूं। सो दोस्तों, ये अफर्मेशन आप 21 दिनों से करिए, क्योंकि ये भी जीरो टू हीरो सीरीज का एक हिस्सा है जो आपको इसको समझने में, इस प्रोसेस के थ्रू जाने में मददगार साबित होगा। सो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड जानकार लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन सके और उन्हें भी लाभ हो सके। और दोस्तों, अगर इस चैनल को आप वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह एक फ्री यूट्यूब चैनल है, आपके राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने। एंड दोस्तों, बेल आइकन को एनेबल करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी समय पर मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Thanks a lot.